तो अभी बॉलीवुड वर्सेस साउथ के इंडस्ट्री का कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थर वारसी ने एक इंटरव्यू में ऐसा कह दिया कि जो प्रभास की कल की मूवी है ना, उसमें वो जोकर जैसे लग रहे थे। अब बस इसी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर साउथ के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कि बॉलीवुड को बुरा कह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, जहां पर मैं आपको बताऊं कि आखिर साउथ वाले जो है ना, वो बॉलीवुड के लिए क्या क्या कहते हैं और आखिर ये साउथ और बॉलीवुड का राइवलरी कब खत्म होगा। हां, ये वीडियो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफी बड़े बड़े एक्टर्स के बड़े बड़े स्टेटमेंट दिखाऊंगा। उसको सुनने के बाद हो सकता है कि आप उस एक्टर के फैन ना रहो। तो चलिए बात करते हैं पहले अपने अर्शद वारसी के बारे में ही, जिनके इस स्टेटमेंट के बाद से साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर नानी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने अर्शद वारसी के लिए ऐसा कहा कि अर्शद वारसी ने अपने पूरे करियर में मूवीज करके उतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं की जितना कि इस स्टेटमेंट देने के बाद से वो पॉपुलर हो गए हैं। अब शायद वो ये बात को जानते नहीं कि अर्शद वारसी कितने अच्छे एक्टर हैं। और अगर बात करें मीम कल्चर के बारे में, तो मीम कल्चर में वो प्रभास से भी ज्यादा पॉपुलर है। और अगर उनको प्रभास से कंपेयर किया जा रहा है, तो मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा कि अर्शद वारसी जो है ना, वो एक एक्टर है, वहीं पे जो प्रभास है ना, वो एक सुपरस्टार है, और इन दोनों में काफी बड़ा फर्क है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि नानी ने सिर्फ यही स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले भी जब टाइगर श्रॉफ मूवी रिलीज हो रही थी, तो उनकी एक और स्टेटमेंट आई थी, जहां पर उन्होंने कुछ अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया था, जिसको देख और सुनकर ऐसा ही लगता है कि ये बॉलीवुड से कुछ ज्यादा ही हेट करते हैं। इसके अलावा आपको याद होता है एनिमल मूवी का एक ग्रैंड इवेंट हुआ था हैदराबाद में, जहां पर अपने एनिमल मूवी की पूरी कास्ट गई थी, जिसमें अपने रणवीर कपूर भी गए थे वहां पर। तो क्या होता है ना कि आउट ऑफ सडन एक बंदा आ जाता है स्टेज पे, जो कि कहने लगता है कि बॉलीवुड को अब कोई नहीं देखेगा और अब सिर्फ साउथ का सिनेमा ही राज करेगा। अब उस वक्त रणवीर कपूर ने तो वहां पर कुछ भी नहीं कहा था, और उन्होंने मुस्कुराकर उस चीज को टाल दिया। लेकिन अगर यही बात कोई बॉलीवुड एक्टर कह देता है साउथ के लिए, तो भाई लोग फिर उसको लोग बवाल बना देते हैं। इसके अलावा जो बाहुबली के डायरेक्टर हैं एसएस राजामौली, उन्होंने भी पास्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि महेश बाबू के सामने जो अपना ऋतिक रोशन है ना, वो चाय कम पानी है। एक तरह से कहें तो उन्होंने ऋतिक रोशन के लुक का मजाक उड़ाया था, जिनको अभी पूरी दुनिया ग्रीक गॉड कहकर बुलाती है। हालांकि बहुत सालों के बाद जब वो फेमस हो गए, तो उन्होंने अपनी गलती को माना। लेकिन भाई अगेन, यहां पर आप बॉलीवुड के लिए हिट देख सकते हो। अब अगर महेश बाबू के बारे में बात हो ही रही है, तो उनके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि इनके स्टेटमेंट भी कुछ खास अच्छे है नहीं। दरअसल एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि आप बॉलीवुड में अपना डेब्यू कब कर रहे हैं, तो इन्होंने सीधा सीधा वहां पर ये कहा कि बॉलीवुड में ऐसा भी कोई भी नहीं है जो कि उनको अफोर्ड कर सके। वो बात अलग है कि बाद में वो हमें टाइगर श्रॉफ के साथ एक गुटका कैट करते हुए नजर आए। मतलब बॉलीवुड में उनको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन गुटका कैट के लिए कोई उनको अफोर्ड कर सकता है। मतलब लिटरली इन लोगों के मन में बहुत ज्यादा ही हेट है बॉलीवुड के लिए। और यहाँ पर जो हिंदी ऑडियंस है ना, वो बॉलीवुड को ही हेट करती है उल्टा। हमें मानता हूँ कि अभी बॉलीवुड में सब चीज सही नहीं है, लेकिन अगर आप देखने के लिए साउथ में भी जाओगे ना, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं है। अभी मलयालम इंडस्ट्री के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही होगा। मैं ज्यादा कुछ खुलकर नहीं बोलना चाहता हूँ कि अभी वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप जानते हो तो आप जानते हो कि अभी वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसीलिए बॉलीवुड में सिर्फ गलत चीजें नहीं होती है, बाकी और भी इंडस्ट्री में होती है, लेकिन सिर्फ हमें पता चलता है सिर्फ बॉलीवुड के बारे में, इसीलिए सिर्फ हम बॉलीवुड को टारगेट करते हैं। क्योंकि अगर साउथ की इंडस्ट्री में अगर कुछ गलत चल रहा होगा, तो वो बात हिंदी ऑडियंस तक आते आते दब जाती है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज जो है ना, वो सबसे बड़ी बैरियर है। इसके अलावा आप मुझे एक ऐसा एक्टर बता दो जिसने साउथ के बारे में कुछ गलत कहा है, और वो एक्टर अभी बॉलीवुड में है। आपको ऐसा कोई भी एक्टर नहीं मिलेगा, वो भी बॉलीवुड से, क्योंकि यार बॉलीवुड के लोग सपोर्ट करने के मामले में काफी अच्छे होते हैं, और वो कभी किसी को डिमेन तो नहीं करते हैं। हाँ, नेपोटिज्म, आउटसाइडर, इनसाइडर, ये सब बात तो चलता ही रहता है बॉलीवुड में, लेकिन अगर आप साउथ में भी देखोगे ना, तो आपको ज्यादातर जितने भी सुपरस्टार है ना वहाँ के, वो सारे नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट है। जिन एक्टर को आप नेपो किड कहते हो ना बॉलीवुड में, वैसे ही कुछ साउथ में भी है जो कि नेपो किड है। बस फर्क सिर्फ इतना है ना कि वो वहाँ के अभी स्टार बन गए हैं। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि साउथ वालों को अब घमंड हो गया है, क्योंकि उनकी फिल्मों को हिंदी ऑडियंस कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी है, जिस वजह से उनको अब यह लगता है कि बॉलीवुड को अब कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। इसीलिए बॉलीवुड को वो लोग नीचे निगाह से देख रहे हैं, और यही रीजन है कि हमें ऐसे स्टेटमेंट आए दिन देखने को मिलते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जितने भी साउथ की बड़ी फिल्में आती है ना, तो उनके ट्रेलर को जब रिलीज किया जाता है, तो पहले वो अपने रीजनल लैंग्वेज में ही करते हैं, और घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे के बाद ही उसको हिंदी लैंग्वेज में अपलोड किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर भी है जिनका यह स्टेटमेंट है कि उन्होंने अपनी मूवी को सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए बनाया है या फिर तेलुगु ऑडियंस के लिए बनाया है। मतलब लिटरली यार, तुम लोग ज्यादा पैसा कमाकर हिंदी ऑडियंस से जा रहे हो, और हिंदी ऑडियंस का ही कदर नहीं कर रहे हो। भाई ये सारे बातें सुनकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे सिनेमा लवर ये कहते हैं कि अब इंडिया में कोई भी बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री या फिर तमिल इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि अब वो सब मिलकर एक हो गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन सिनेमा। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह के स्टेटमेंट आता है ना, तब हमें पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अर्शद वारसी ने स्टेटमेंट दिया है वो सही है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, क्योंकि लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास ने उसमें जोकर वाला काम किया है। हाँ, इंटरवल के बाद उनका कैरेक्टर डेवलप करता है, और उनके कैरेक्टर के अंदर एक सीरियसनेस आती है, जिस वजह से हम उनके कैरेक्टर को पसंद करते हैं। नहीं तो अगर आप फर्स्ट आप उनके कैरेक्टर को देखोगे, तो आप जोकर ही कहोगे उनको। ये बात उनको और उनके फैंस को शायद समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो अभी अर्शद वारसी के कमेंट सेक्शन में जाकर उनको गालियां दे रहे हैं। देखो, अगर आप स्टार हो ना, तो भाई आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर लोग पॉलिटिशियन, यूट्यूबरों को नहीं छोड़ते हैं, तो आप तो इतने बड़े स्टार हो। अगर आपने इस फील्ड में अपना कदम को रखा है, तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा, आप इससे बच नहीं सकते हो। और क्या आप मुझे बताओ, क्या आपको भी ऐसा कभी फील हुआ है कि साउथ वाले आपको ज्यादा ही उड़ रहे हैं और उनको अब घमंड हो गया
किया है अपने इंडस्ट्री के ऊपर, जिस वजह से वो बॉलीवुड एक्टर्स को अब नीचे निगाह से देख रहे हैं। आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसके अलावा आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।